आज हम नारियल के ऊपर हैंडीक्राफ्ट का काम सिखाने जा रहे हैं कि ये जो फालतू का नारियल का कवर हम लोग फेंक देते हैं जिसको कोकोनट शेल कहते हैं, इसको हम लोग यूज़ करेंगे और ये पूरा इको फ्रेंडली होता है। इससे हम बहुत सारा सामान बना सकते हैं। अभी हम करके दिखाएंगे कि इसका सामान कैसे कैसे तैयार होता है। अभी सबसे पहले तो नारियल को साफ़ करना पड़ता है, इसको हम लोग साफ़ करेंगे। उसके बाद ये सर वुडन फाइल है, इससे हम इसका रेशा हटाते हैं। प्रत्येक नारियल में सर 3 पार्ट होता है, एक एक पार्ट करके हम लोग इसको साफ कर लेते हैं। इसमें जितना भी हस्क है, ये जो मुलायम वाला इसका निकलता है धूला, ये हस्क कहलाता है सर। इसका पहले हम लोग हस्क साफ करते हैं। इस सर फाइल से मैंने इसका हस्क हटा दिया। उसके बाद ये एमरी पेपर है, एमरी पेपर से फिर इसमें हम लोग घिसाई करते हैं स्मूथ बनाने के लिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमको पहले नारियल को रीड करना है कि हमको इस नारियल में क्या बनेगा। नारियल के डिज़ाइन को देख के हम कलाकार तय करते हैं कि इससे कौन सा सामान हम बना सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है, इसका कोई परफेक्ट डिज़ाइन नहीं होता है। तो नारियल को देखने के बाद ही हम लोग करते हैं। अब इसमें हम लोग पेंसिल से स्केच करेंगे सर, ये पूरा हम लोग पेंसिल से स्केच करेंगे। स्केच करने के बाद इसको कट करेंगे। कट करने के लिए मेरे पास हैक्सॉ है, इस हैक्सॉ से हम लोग कट करते हैं इसको। अब इस पर सर हम पेंसिल या मार्कर किसी भी चीज़ से इस पर एक लाइन बनाते हैं सर। एक तरफ तो मोटा मोटी सीधा लाइन रहता है, दूसरे तरफ इसको सीधा करने के लिए केवल मिलाना पड़ता है। ये सेंटर पॉइंट से लेके हम लोग यहाँ पे मिला लेते हैं, यहाँ पे मिला लिए, ये पूरा सीधा हो गया सर। उसके बाद हम कट करेंगे इसको, पूरा कट करके 2 भाग करेंगे। नारियल को सर हमने 2 भाग में काट लिया है, दोनों अलग अलग भाग हो गया। अब ये होता क्या है, काटने के दरमियान थोड़ा बहुत देखिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे कटा हुआ है ना, थोड़ा सा तिरछा है तो कहीं पे थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो इसको हम लोग एमरी पेपर लगा के इसको किसी चौकी या टेबल पे ठोक लेते हैं और इस पर देखे, इस पर हम लोग यूं घिसाई करते हैं। देखिए सर, ये चारों बगल पूरा बराबर हो गया, पूरा एक जैसा हो गया। अब इसको हम कहीं पर बैठाएंगे तो ये पूरा सही से मेरा बैठ जाएगा। इसको सर हम अभी एक पेन होल्डर बनाने जा रहे हैं, तो पेन होल्डर बनाने के लिए इसमें हमको ड्रिल से छेद करना पड़ेगा। सर इसको खुरचू कहते हैं और इसको नलकी करते हैं। इस नलकी के अंदर में पेन डाल के रखा जाता है सर। और एक अटैचमेंट है सर, ये कैलेंडर का है, ये मेटल का बना बनाया आता है। इसको मेन हम नारियल का बेस तैयार करके इसमें इसको फिक्स करते हैं। ये ऑफिस वगैरह के लिए या विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा उपयोगी है। अब मैं इसको किस तरह से लगाया जाता है वो लगा के आपको दिखा रहा हूँ। इस गुने में मैंने इस नलकी को टाइट कर लिया सर। ये सर पेन होल्डर मेरा तैयार हो गया। ये डेट हो गया। इसको डेली एक बार घुमा देने से ये डेट चेंज हो जाता है। पर डे इसको सुबह सुबह घुमा देना है। इसमें 2 पेन हो गया सर। इसमें और भी बहुत कुछ बना सकते हैं, आपके पास ज़्यादा आइडिया है तो इसमें पिन रखने का भी अटैच हो जाता है, नारियल का ही बना के पिन रखने का अटैच हो जाता है। इसके बाद सर इस पर हमने पॉलिश करना है ताकि ये इसमें चमक आ जाए और ये खूबसूरत लगने लगे। इसमें रंग करने के बाद जब हम इसको धूप में दे देते हैं तो इसका चमक ज़्यादा होता है, छांव में उतना चमक नहीं आता है। धूप पड़ जाने के बाद इसकी शाइनिंग भी आती है और इसकी चमक बरकरार रहता है।